उनके कहीं से शुरुआत होती है, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते उसमें पूरा बौद्ध धर्म जो है समा जाता है। ये इस धर्म की बहुत बड़ी खूबी है, इस बौद्ध धर्म की। और जब हम ध्यान की ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, हम मैत्री भावना ध्यान करते हैं, क्या आनापानसति ध्यान करते हैं, तो ध्यान के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है। तो उसी के साथ सारी चीजें निहित हैं, चाहे हमारी सील हो और चाहे हमारे निवरण हो, जो कुछ है सब उससे नहीं है। और जब निवरणों से आगे बढ़ते हैं तो हम सीलों में चले जाते हैं, और सीलों से आगे बढ़ते हैं तो वो पूरा खुल, और अब सीलों की बात जब होती है तो उसमें भी हमारे अंदर हमारी भावनाएं जो है इतनी कहें या और शब्दों में समझ सकते हैं, विकराल धारण करती हैं, कुशल के लिए भी अकुशल के लिए भी, जब हम चीजों को समझने लगते हैं तो फिर हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें बौद्ध धर्म से मिलती है। और वास्तव में देखा जाए तो बौद्ध धर्म में कहते हैं कि इतनी किताबें हैं, पूरा त्रिपिटक, हर एक चीज समाया हुआ है, और किसी भी पिटक को, सूक्त को कुछ भी उठा लो, उसी में हर एक पिटक मिलते जुलते चले जाते हैं, क्योंकि हर एक जगह जो मेन उद्देश्य है उसका वो शीर समाधि प्रज्ञा से शुरू होता है। तो इसका बहुत बड़ा वो है, हमें समझना है। तो ये देखने वाली बात है और हमें समझना है, तो हम इसमें ये ज्यादा नहीं कह सकते। सीलों से क्या होता है कि सीलों में आप सभी जानते हैं कि हमारे अंदर द्वेष भी आता है और कुशल भी विचार, जब उसको हम द्वेष को समझने लगते हैं तो हमारा चित्त कुशलता की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं। तो जैसे कहते हैं कि सारी दिशाओं में चित्त से जाकर अपने से प्रीतर, जो अपने से प्रिय है, हम अगर ढूंढते हैं तो पता चलता किसी को हम ढूंढ नहीं पाते हैं। वैसे ही दूसरे प्राणियों का अलग अलग, उनका शरीर भी प्रिय है, जैसे हमें, हम स्वयं को अपने लिए प्रिय है। और वास्तव में इसे स्वार्थ कहें या कुछ भी कहें, अगर हमें दुख होता है या कुछ भी होता है तो हमारा शरीर जो है ना, हम अपने को ही अच्छा समझते हैं, इसलिए कुछ ना हो ऐसी हम कामना करते हैं, तो उससे भी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो मैत्री भावना जो ध्यान है ना, जैसे हम स्वयं के लिए समझते हैं वैसे दूसरे के लिए भी हमें समझना है। दूसरे प्राणियों को भी अलग अलग, उनका शरीर, उनका स्वभाव, सब कुछ प्रिय है, तो अपने की तरह उन्हें समझना है। इसलिए अपने हित व सुख के लिए क्या होता है, हमें दूसरे की हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। इसीलिए ध्यान में उस दिन भी शायद मैंने बताया था ये, कि हम स्वयं के लिए मैत्री भावना करते हैं, फिर अपने प्रिय जो मित्र होता है उसके लिए, फिर तटस्थ व्यक्ति के लिए, फिर अप्रिय व्यक्ति के लिए, एक क्रमशः करते हैं। और इसीलिए स्वयं, अपने से प्रिय, तटस्थ व्यक्ति, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक स्वयं से हम मैत्री नहीं कर सकते तो चाहे वो मित्र हो, किसी से भी हम नहीं कर सकते। और ये बहुत जरूरी है। ऐसे
कहते हैं बैरी व्यक्ति या आखिरी व्यक्ति के लिए मैत्री करनी चाहिए, प्राप्त होता है ना, अप्रिय व्यक्ति से मैत्री करने से मन शांत तो होता है। बहुत सारी बातें होती हैं इस प्रकार। मैत्री भावना करने वाले को एक एक भाग में चित्त को बहुत सरल, बहुत मृदुल, काम करने योग्य, उसके आगे वाले भाग या उसमें जो भी हो है ना, हमें जाना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है ना। तो यदि जैसे हमारा अप्रिय व्यक्ति है या बैरी व्यक्ति है कि अपराधों, अकुशल कृत, ये सब बातें हैं, उसका अनुसरण या प्रतिहिंसा का स्वभाव उत्पन्न होता है, तब इसके पहले व्यक्तियों के प्रति मैत्री पुनः पुनः मैत्री को प्राप्त कर उससे ऊपर उठकर बार बार उस व्यक्ति पर मैत्री करते हुए क्या करते हैं, प्रतिहिंसा भाव को मिटाना पड़ता है। जो हमारे अंदर उसके प्रति द्वेष का भाव है, अकुशल का भाव है, उसको हमें मिटाना पड़ता है। तो ये बार बार हमें करना पड़ता है और बार बार करना चाहिए। और मैंने इस सब मामलों में इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। तो कहते हैं फिर भी मन द्वेषपूर्ण रह, मतलब कितना भी हम कोशिश करते हैं तो मन द्वेषपूर्ण रहता है। और जब भी ध्यान करते हैं वास्तव में यही एक वो है। इसीलिए बहुत लोगों को शुरुआत में मैत्री भावना नहीं पसंद आता है, अच्छा नहीं लगता है, या तो हम एकाग्र नहीं होते हैं या शीलों को नहीं समझते हैं, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसीलिए इस पे बहुत काम करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम कोई प्रवचन सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं या जातक कथाओं की कोई भी, इससे क्या होता, हम दूर जो द्वेष है उसे दूर करने का उपाय करते हैं। कुछ लोग बार बार अपना वंदना भी करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। और वैसे मैंने एकांतवास नहीं किया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि एकांतवास के लिए जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करो या कुछ करो, कुछ नहीं तो आप खाली वंदना और ध्यान ही करो, कुछ ना करो। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारे श्रद्धा निर्माण होती है और जब ध्यान करेंगे तो हम सारी चीजों को समझेंगे, या हमारे अंदर विचार आते हैं स्वयं को हम समझेंगे कि हमारा मन किस प्रकार भागता है। क्योंकि मैं बाहर तो नहीं गया लेकिन घर में ध्यान करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है और हमें समझना भी चाहिए। और उस दिन उदाहरण भी एक बताया था, जैसे हमारे पास इस प्रकार से, मतलब मन दूषित नहीं होना चाहिए है ना, कि बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं जैसे क्रोध करना वाले करने वाला आदमी दोनों ओर से जो आरे होते हैं ना, खींचते हैं एक उधर पकड़ के एक उधर पकड़ के है ना, तो ऐसे लुटेरे चोर अंग प्रत्यंग को चीर डालें या वहां काट डालें, कुछ भी करें, तो वहां मन दूषित ना करें। वो जैसा करते हैं वो मेरा अनुसार करने वाला नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते हैं है ना। अगर ऐसा कोई सोचता है, मन दूषित करता है, तो अब बताओ कितनी बड़ी बात बुद्ध ने बताई होगी। कोई किसी को काट रहा है लेकिन आपके मन में उसके प्रति भी इतना द्वेष नहीं होना चाहिए, और कहते हैं वो मेरा अनुशासन, मेरे धर्म को मानने वाला नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारी बातें बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से बताई। और कहते हैं कि बुद्धत्व के मार्ग पर जाने के लिए भंते जी ने भी बहुत सारी बातें अपने उसमें बताई हैं।
जिसको हम समझ सकते हैं। और हमने ऐसा भी सुना, क्योंकि हमें इंग्लिश तो नहीं आती है, लेकिन हमने जो सुना है हिंदी में, बंते जी अपने पोएम में लिखते हैं क्या, कमल के फूल को दिखाते हैं, लोटस। बुद्ध भी शुरू में कमल के फूल को ही दिखाते, हाँ, और दूसरे कहते हाँ ये समझ गया। तो उसी प्रकार वो भी कहते हैं कि जो कमल का फूल होता है ना, जिस प्रकार कीचड़ से बाहर निकल के कितना सुंदर लगता है, तो कीचड़ की तुलना उन्होंने जो की है भंते जी ने, इस संसार से की है। संसार एक कीचड़ के समान है, यहाँ सुख है, दुख है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, हिंसा है, अहिंसा है, बहुत सारी बातें हैं, हमें उससे ऊपर उठना चाहिए, उस कमल को उसकी तरह। तो ये भी हम समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। और जो क्रोधी क्रोध के प्रति है ना, क्रोधी के प्रति क्रोध करता है, उससे उसी की बुराई है। क्रोधी के प्रति क्रोध ना करने वाला दुर्जन्य जो है संग्राम को भी जीत लेता है ना। आप शुरू में क्या कहते हैं, सम्राट अशोक के बारे में सुने होंगे, हम सभी लोग जानते हैं उनको चंद अशोक कहते थे, लेकिन बाद में कितना महान बने थे, है ना। और उनसे भी हम समझ सकते हैं, जब वो बुद्ध की शरण में गए, उस मैत्री से महान बने, सम्राट अशोक महान आज भी कहते हैं। और उन्होंने पूरे इस जम्बूद्वीप, हम कहेंगे भारत देश तो नहीं, तो उसमें पूरे बौद्ध धर्म का प्रचंड, मतलब परचम कहो, एक प्रकार से लहरा दिया था, है ना। आज भी उनके अवशेष पड़े हुए हैं, हमें समझने की जरूरत है, जो क्षतिग्रस्त हुआ क्या हुआ उसको हम नहीं वर्णन करेंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं इस सब चीजों। और दूसरे को कृपित हुआ जानकर, हुआ जानकर जो स्मृतिवान शांत हो जाता है, वो अपना और दूसरे की भलाई करता है ना। जो दूसरे को, मतलब कोई क्रोध में है, बहुत ज्यादा क्रोध में है, लेकिन जो स्मृतिवान व्यक्ति है वहां शांत हो जाता है, यहाँ बुद्ध कहते हैं वो अपनी भी भलाई करता, दूसरे की भी भलाई करता है। वास्तव में कितने झगड़े, कितने बहुत सारी चीजें होती हैं, बस सिकंडों की बात होती है और कितनी बात बढ़ जाती है, चाहे किसी की हत्या करे, कुछ भी करे, बस चंद्र सेकंडों की। और उसी में अगर स्मृतिवान व्यक्ति उसमें से कोई भी हो, अगर शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया, हाँ ऐसा भी होता है, जैसे हम सामाजिक उसमें रहते हैं, लोग कहते भी हैं कि अरे डर गया, है ना, इसके अंदर कुछ वैसा भाव नहीं है, ये तो डरपोक, बहुत सारी बातें लोग कहेंगे, उपहास भी उड़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर की बात को वो नहीं समझेंगे, इतनी बड़ी घटना को वो टाल देता है। तो बुद्ध ने क्या समझ के ये सब बातें कही होंगी, प्रकार से ये सब बातें, जो क्रोधी है, जो वैरी है, ये सब उसके द्वारा, उसकी इच्छाओं के द्वारा सब कुछ होता है। और वैरियों द्वारा जो करणी है, जो क्रोध के स्वभाव वाले सभी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको आती है, वो कौन सी बात है, वो वैरी वैरी के लिए ऐसा चाहता है, कौन सी बात है। कहते हैं कि जो साधारण सी बात है कि अगर किसी के मन में किसी के लिए द्वेष है और वो बहुत अच्छा है, तभी हमारे अंदर द्वेष आता है ना। बहुत सुंदर सब ढक के कहीं जा रहा, तब भी गुस्सा आता है ना। इस प्रकार से बहुत सारी बातें उसमें देखने को मिलती हैं, है ना। अगर बहुत पैसे वाला है, तब भी द्वेष आता है। और मतलब बहुत ज्यादा उसके लोग गुणगान करते हैं, तब भी द्वेष आता है।
ये मुझे अब याद आ रहा है, क्यों? जब हम इस संघ से नहीं जुड़े थे तब तो बाबा साहेब को जानते थे, मुझे याद है। देखो जहां जो पढ़ लिख के या थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके परिवार के, उसके पड़ोसी, उसको देखना नहीं पसंद करते हैं। और ये हकीकत बात है, ये मेरे साथ भी हुआ है। जैसे हम तैयार होके बढ़िया नहा धो के अपना साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, लोग बोलते थे, वो आगे नहीं समझते थे क्या है, लेकिन कानों तक, अरे देखो तो एक कलेक्टर जा रहा है ना, क्यों? उनका द्वेष हमारे प्रति वो बोल रहा था, हमारे कानों तक, लेकिन हम चुपचाप निकल जाते थे। ये जब आप हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो वो चीजें, वो भाव आता है मन में, आया ऐसा तो मेरे साथ भी होता था। जब हम बुद्ध को पढ़ते हैं, उनके उपदेशों को, तो लगता है हाँ ये तो सही बात है। और ये भी बात है कि हमारे बहुत ज्यादा मित्र भी थे, क्योंकि बाबा साहेब को मानते थे। तो बाबा साहेब वाले उस समय, मैं बताया हूँ 1980 के आसपास, तो सब एक दूसरे के यहाँ बहुत ज्यादा जाते थे। अब भले न जाते हों, गांव की बात बताऊं, तो हमारे पड़ोसी क्या बोलते थे, इनके यहाँ तो बहुत ज्यादा मेहमान आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो ये बड़ी मतलब समझने वाली बात है कि कैसे एक दूसरे का दोष दूसरे के प्रति काम करता है, ये भी हम इसमें समझ सकते हैं, है ना। और अगर उसके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं तब भी दोष होता है, किसी के बच्चे लग गए तब भी दोष होता है, और ऐसे बहुत सारी बातें। अगर अकुशल होता है तो बहुत खुश होता है। तो ये सब कारण है ना द्वेष होने के। और लेकिन क्या होता है, शरीर छूटने पर परम मरण के पश्चात सुगति को प्राप्त हो, जब वो उत्पन्न होता है फिर से, तो वो किस कारण, क्यों बार बार जन्म लेता है? क्योंकि उसकी मन की भावनाएं जो है वो अकुशल ही रहती हैं, इसलिए वो बार बार जन्म लेता है ना। तो उसका बैर जो है, बैरी का बैर जो है, वो समाप्त नहीं होता है। और वो पुरुष क्या होता है, क्रोधी स्वभाव वाला होता है, क्योंकि क्रोध के वशीभूत रहता है। ये सारी बातें ऐसे होती हैं। और वो काया वाणी और मन से दुष्चरित करके शरीर छूटने पर परम मरण के पश्चात भी क्रोध से जो है वो पीछे नहीं हटा है ना। तो ऐसी ऐसे हम समझ सकते हैं। और जिसे हम कहते हैं, अगर हिंदू धर्म कहते हैं कि उसे नरक को प्राप्त होता है ना, या दुर्गति को प्राप्त होता है, बहुत सारी बातें। ये नरक की बात जो है वो कहीं अलग से लोक नहीं है, नरक लोग ऐसा ना समझे। एक्चुअल में वो बार बार अगर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है, कष्ट भोगता है, तो उसी को हम नरक कह सकते हैं, है ना। जैसे बुद्ध भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, किसी किसी के उसमें जब वो रहता है तो बुद्ध बताते थे कि ये व्यक्ति उस जन्म में ऐसा था, इसलिए आज ऐसा पैदा हुआ। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो इन सब बातों से हमें दूर रहना है, हमें सीलों का पालन करना है। कोई कितना भी द्वेषी हो, कितना भी क्रोधी हो, लेकिन हमें नहीं क्रोध करना है, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमें शांति नहीं मिलेगी, हम मैत्री भावना हमारी अच्छी नहीं लगेगी। हम जो चौथी पारी में है ना, फिर वही भटके रहेंगे इधर उधर। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है। और वास्तव में इस सब के लिए हमें सीलों पर ध्यान देना है। और जब तक हम सीलों पर नहीं ध्यान देंगे,
हम समाधि की तरफ नहीं बढ़ सकते, हमारा ध्यान अच्छा नहीं लग सकता है। और जब ध्यान अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम चीजों को क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं देख सकते, हम प्रज्ञा की तरफ नहीं बढ़ सकते। और ऐसा भी नहीं है कि ये जब हम इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान करना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना ध्यान में, ऐसा नहीं है। हम सब अगर ये कार्य कर रहे हैं तो उसी मार्ग पर आरूढ़ हैं, हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है, सब एक बराबर नहीं है, सब एक साथ उतने अच्छाई में या उतने गहराई में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतने लोगों में कोई तो होगा जिसको अनुभव प्राप्त हो सकता है, चाहे वो क्षणिक मात्र क्यों हो। जितने लोग जुड़े हैं उसमें तो मिल ही जाएंगे कोई ना कोई, तो ऐसा नहीं है। बस ऐसा भी है कि हम कहते हैं उन चीजों को या उन अपने अनुभवों को पहचान नहीं पाते, उसे पहचानने की जरूरत है। जब तक हम गहराई में जाएंगे नहीं ध्यान की, तब तक हम वो समझ नहीं सकते। और अनुभव तो आया ही होगा अगर हम ध्यान करते, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, और उस ध्यान की तरफ अग्रसर होने की जरूरत है। और ये भी नहीं सोचकर पीछे हटना कि नहीं नहीं हम तो ध्यान बराबर कर रहे हैं, कुछ अनुभव नहीं आता, लेकिन अनुभव आता है भाइयों बहनों, अनुभव सबको आता है, बशर्ते हम उसको समझ नहीं पाते। उसे हमें समझने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है उस अनुभव को। और ऐसा भी होता है कभी कभी किसी को क्षणिक मात्र का अनुभव भी आता है, तो उस अनुभव को पाने के लिए वो अपने आप को पूरा समय बर्बाद कर देता है, लेकिन वास्तव में जब एक बार जो अनुभव आता है वो अनुभव दोबारा नहीं आता है। तो इसलिए उसको, उस अनुभव को ना पाने के लिए हमें फिर से अपनी शुरुआत करनी चाहिए दूसरे अनुभव के तरफ, और वहां उसको छोड़ दो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। तो ऐसा होता है, और ये सबके साथ होता है, भले हम बोल ना पाए या बता ना पाए या उसको समझ ना पाए, ये हमें लगता है चाहे वो धम्मित्र हो, चाहे सहायक हो, चाहे धर्मचारी हो, सबको अनुभव प्राप्त होता है। और चाहे वो क्षणिक मात्र हो, जो बहुत ज्यादा ध्यान करेगा ज्यादा देर का अनुभव होगा, तो ये सारी बातें आती है। तो ये हमें समझने की बात है। और इसी प्रकार से उसके ऐसे प्रयत्न ऐसे उद्योग करते हुए यदि वैर भाव शांत हो जाता है तो बहुत अच्छा, यदि शांत नहीं होता है तो जो जो बातें उस पुरुष को शांत और परिशुद्ध होती हैं, अनुसरण करते हुए चित्त को प्रसन्न करती हैं, और उन को अनुसरण करके वैर भाव को हमें मिटाना है, ये बहुत आवश्यक बात है। और इस प्रकार से हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला, वास्तव में हमें लगता है आज के बाद कभी भी हम ध्यान करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान के बाद चिंतन भी करना चाहिए। हम जरूरी नहीं कि यहाँ हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन बाद में भी अकेले में आप चिंतन कर सकते हैं उसके बारे में, क्या वास्तव में हमें अनुभव आया। वास्तव में भाइयों और बहनों, जब हम पहचानने लगेंगे, उसको जानने लगेंगे, हमें खुशी होगी, हाँ हमें तो अनुभव आया, हम समझते नहीं थे। और ये सब हम अपने कल्याण मित्रों से, अपने शिविरों में हम उसका जिक्र करके, अपने अनुभव को शेयर करके, कैसे भी या देखने का क्या नजरिया है, हम देख सकते हैं अपने अभ्यास वर्ग में। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि हमें जो है अपने अभ्यास वर्ग को, अपने चैप्टर को भी मजबूत करना है, वहां से भी हमें बहुत सारी बातें प्राप्त होती हैं, जो साप्ताहिक
अपने केंद्र के लिए हम करते हैं, वहां एक साथ जाते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से मैत्री भावना आप सभी लोग जानते हैं, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैत्री भावना ध्यान है और समय भी हो गया है, इसलिए यही अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। आज मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है क्योंकि थोड़े से अनुभव अपने शेयर करते हुए, क्योंकि आजकल मैं भी थोड़ा सा चिंतन कर रहा हूं, तो उस चिंतन में हमारी पुरानी बातें एकदम रिपीट होती हैं, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धम्म मित्र संतोष गौ।